अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के लिए मैं क्लास के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग जो है 5वां सेट को कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10वें सेट को अगर आप लोग कंप्लीटली देख लेते हैं, लगभग में चांस है कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको इससे से ही देखने के लिए मिलेगा। इसलिए क्लास को मिस नहीं करेंगे, पूरा जितना भी क्लास हो चुकी है अब तक वो सारा भी देख लेंगे आप लोग, और बेहतरीन जो है तैयारी करने के लिए टाइम तो बचा नहीं है। वैसे कम टाइम में आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। 10 सेट मॉडल सेट जो कि इंग्लिश का 25 मार्क्स का और 75 मार्क्स का उर्दू का, वो दोनों जो है आप लोगों को मेरा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जाइए प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए AS उर्दू एजुकेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के लिंक से डायरेक्ट जो है आप लोग ओपन करके एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो जाइए। बहुत ज़्यादा कम फी कर दिया गया है, जिसमें आप लोग कोई भी उसको परचेज कर सकता है काफ़ी आसानी के साथ, यानी समझ लीजिए कि फ़ी है ही नहीं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे मॉडल पेपर सेट 5 को हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा जूम कर लें वन साइड करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और देखने में काफ़ी आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, दर्जदैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस आपके पास ऑप्शन है, गीत, किस्सा, आवाज़ और मोहब्बत। चलिए फटाफट से आप लोग, अगर आंसर आता है आप लोग फटाफट से आंसर देंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। आवाज़ जितने स्टूडेंट दे चुके हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 पे दिया हुआ है, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। इसमें मारफा की टोटल जो है 7 किस्म होती है। इसमें मारफा आप लोगों को पता होगा, जिससे किसी खास चीज़ का नाम और जगह का नाम मालूम चले। ठीक है, देखिए लाल पीला होना का मतलब होता है बहुत गुस्सा दिखाना, गुस्सा पर काबू ना होना, बहुत शर्मिंदा होना, उसके बाद बुरा हाल कर देना। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत गुस्सा दिखाना हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल आपके पास, आसान की जीत क्या होगी, मुश्किल, उसके बाद सख्त, किल्लत और पस्ती। सही आंसर की बात करें, आसान का आपका बड़ी सेंसर नहीं है, आसान का आपका मुश्किल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर सवाल पूछ रखा है, सनद की जमा क्या होगी। सनद की जमा आपका असनाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6 पे, दर्जैल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है, शर्म, वक्त, याद और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, दर्जैल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है 6 नंबर सवाल का। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वक्त जो है ना, वक्त आता है, वक्त जाता है, आप लोग क्या किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसका जुमला में, मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी तज़कीर के तौर पर इसको इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर सवाल, माउथ की कितनी किस्में होती है, 2, 3, 4, 5। सवाल नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउथ की टोटल 2 किस्में होती है। ठीक है, माउथ ज़ेहनी, माउथ ख़ारिजी। देखिए 8 नंबर सवाल आपके पास, दर्जदैल में से उर्फ की निशानदेही कीजिए, वैसे नाम जो कि असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से प्रचलित फेमस हो जाए उसे क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं। देखिए देश रत्न, शेर बिहार और मीर, ये सारा नाम क्या लग रहा है आप लोगों को, फेमस नाम लग रहा है, लेकिन जुम्मन जो है ना उसका एक अलग नाम होता है, लेकिन वो उसको अलग दूसरा माँ बाप जो है प्यार से किसी अलग दूसरा नाम से पुकारते हैं, वैसे नाम को उर्फी नाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इनमें खुदा का, इनमें जो है खुदा का काफिया क्या है। देखिए रब, वफा, अल्लाह और जन्नत, सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इनमें खुदा का जो है काफिया हो जाएगा आपका, वफा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुदा का क्या हो जाएगा, वफा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खुदा में देखिए खुदा का क्या पूछ रहेगा आप लोग, एक होता है काफिया, एक होता है रदीफ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे खुदा का लास्ट में क्या आया, अलीफ आया, और यहाँ पे देखिए वफा का लास्ट में क्या है, अलीफ आया, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर सवाल आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ, अशआर के वजन को अशआर के वजन को जांचने के लिए कौन सा लफ्ज़ मुतायन है, अशआर के वजन को जांचने के लिए जो है कौन सा लफ्ज़ मुतायन किया गया है उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल का ऑप्शन इधर होगा, आप लोग इधर देख लें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया, ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का, रुकन, मतन, उसके बाद दक्न, उसके बाद हिरन। सवाल नंबर 10 का सही आंसर की बात करें, आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बता रखा है, रुकन बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल आपके पास, दरअसल में से इसमें नकरा, यानी इसमें आम कौन है, इसमें आम जिससे किसी आम चीज़ की जो है नॉलेज हो, जैसे देखिए गंगा, गंगा एक मुराद पता चल रहा है कि गंगा से गंगा नदी है, जमुना से जमुना नदी है, नदी से मुराद कोई भी नदी हो सकता है, इसलिए आपका इसमें नकरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो, और झेलम जो है एक नदी का नाम है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये तीनों के तीनों इसमें मारफा है और नदी क्या है, इसमें नकरा है, यानी इसमें आम है। देखिए 12 नंबर सवाल आपके पास, जैल में से मुरक्कब लफ्ज़ कौन है,
आबशार, पानी, बारिश, मिट्टी, सही आंसर की बात करें क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ज़ैल में मुरक्कब लफ्ज की, मुरक्कब लफ्ज जो है कौन है, तो मुरक्कब लफ्ज देखिए आबशार, पानी, बारिश, मिट्टी, तो मुरक्कब लफ्ज जो है एक है आब, एक है शार, ठीक है। आपका मतलब अलग होता है, शार का मतलब अलग होता है, आपका मतलब क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। दोनों लफ्ज एक साथ मिल गया और माना जो है अलग दे रहा है, तो मुरक्कब लफ्ज होगी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 13 नंबर सवाल आपके पास पूछ रखा है, ज़ैल में कौन सा लफ्ज इसमें मुसगर है, किताब, किताबचा, बाग, गली, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा लो है या फिर कुछ दिक्कत प्रॉब्लम होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लिया करना, ठीक है। या फिर आप लोग अपना क्वेश्चन रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, ज़ैल में कौन सा लफ्ज इसमें मुसगर है, किताब, किताबचा, बाग या फिर गली, ठीक है। इसमें मुसगर से मुराद क्या हो जाएगा, एक होता है इसमें मुकब्बर, एक होता है इसमें मुसगर। इसमें मुसगर जो है आपका छोटाई का जाहिर करता है, क्या करता है, छोटापन जाहिर करता है। इसका असल में पहचान क्या है, देखिए चे हैदर चा होगा लास्ट में, क्या होगा, चे हैदर चा इस तरह का आएगा, तो आप लोग समझ लें इसमें मुसगर है ये, तो आपका देखिए साफ साफ नजर आ रहा है किताब चा में, चे हैदर चा लास्ट में, किताब चा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दरअसल में से कौन सा लफ्ज मुसगर है, गुफ्तगू, मदद, कयामत, तूफान, तो 14 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, तूफान बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 15 नंबर पे, यौम की जमा क्या होगी, अय्याम, अवाम, उरूम, ओयूब, ठीक है। सवाल नंबर 15 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अय्याम हो जाएगा, यौम की जमा अय्याम। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जमीन में गिर जाना का मतलब होता है मरने के लिए तैयार होना, गम जाहिर करना, मगरूर हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। जमीन में गिर जाना का मतलब क्या होता है, मरने के लिए तैयार होना, गम जाहिर करना, मगरूर हो जाना या फिर शर्मिंदा होना। 16 नंबर सवाल का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर सवाल आपके पास, बुलंदी की जिद क्या होगी, जुल्मत, ऊंचा, पस्ती, बातिल, सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पस्ती हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए 18 नंबर सवाल है, इल्म सर्फ की इस तलाह में जो वह कलमा जो अपना माना तो जरूर रखता है लेकिन बगैर इसमें या फेल के मिले हुए वह अपने माना जाहिर नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, हुर्फ मानवी, हुर्फ हिज्जा, हुर्फ वसल, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल का आप लोगों का जवाब आ चुका ऑप्शन नंबर ए, यानी हुर्फ मानवी, ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इधर देखते हैं और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखिए, वह इल्म जिसमें लफ्जों और कलमों की साख्त से बहस की जाती है उसे क्या कहते हैं, इल्म सिर्फ, इल्म नहु, इल्म उरूज, इल्म बलागत। सवाल नंबर 19 का सही आंसर की बात करें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इल्म सिर्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जमीर इस्तफहामी की कितनी किस्में होती है, 5, 4, 3, 2। सवाल नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर आपका 20 का ऑप्शन नंबर सी यानी 3 हो जाएगा। जमीर इस्तफहामी की कितनी किस्में होती है, तो इस्तफहामी की 3 किस्में होती है, इस्तफहामी जिसमें क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जैसे कौन, कब, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका जमीर इस्तफहामी आ जाएगा, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, जिस हुरूफ पर एराब ना हो उसे क्या कहते हैं, वक्फ, कसरा, सुकून, तशदीद। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ही रख रहा हूं क्योंकि कम टाइम में ज्यादातर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, 5 सेट पूरा पूरा कवर करना है मुझे फटाफट से, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलम का मुतरादिफ क्या है, इल्म, फाजिल, तालीम, दानिश। सवाल नंबर 22 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाजिल हो जाएगा, आलिम, आलम नहीं है, आलिम है, ठीक है। आलिम का क्या हो जाएगा, मुतरादिफ, फाजिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास, आंख का तारा होना मुहावरे का माना है, आंख में तारा हो जाना, तारा नजर आना, बहुत प्यारा होना, उसके बाद आसमान में तारे दिखना। 23 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत प्यारा होना हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, कब्र की जमा क्या होगी, रुकूम, कबूर, अकवाल, इक्तलाम। सवाल नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबूर हो जाएगा, कब्र की जमा क्या होती है, कबूर। 25 नंबर सवाल आपके पास, अच्छा लड़का में कौन सी नस्बत है, मुजाफ, मुजाफ, मुजाफल है, उसके बाद मुब्तदा, खबर, उसके बाद सिफत मौसूफ, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिफत मौसूफ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अच्छा जो है ना ये यहाँ पे जाहिर हो रहा है, खूबियाँ खराबी जाहिर कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा आपका सिफत यानी एडजेक्टिव में आ जाएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ैल में इसमें मुकब्बर है, शाहरा, शहवार, शाहकार, इनमें से सभी, तो इसमें मुकब्बर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इनमें सभी बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा, शाहरा, सॉरी, शाहरा, शहवार और शाहकार, सारा का सारा आप लोगों का इसमें मुकब्बर में आ जाएगा, जिससे किसी बराबन का जाहिर हो। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ैल में फेले माजी की मिसाल है, वह आया, वह आ रहा, वह आएगा, इनमें से कोई नहीं। फेले माजी यानी पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ जमाना, देखिए कौन सा इसमें गुजरा हुआ जमाना लग रहा है, ठीक है। देखिए वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, देखिए वह आया यहाँ पे जो है ना ये आपका क्या लग रहा है, फेले माजी में आ रहा है, क्या हो रहा है आपका, फेले माजी में, ज़ैल में फेले माजी जो है की मिसाल है, तो वह या 27 नंबर क्वेश्चन का
जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह आया, वह खाया, वह लिया, वह दिया, वह पिया, सोया, उठा, बैठा, लिखा, पढ़ा, सारा का सारा फिर माजी में आता है। ठीक है, एक होता है माजी करीब, तो यहाँ पे देखिए वह आ रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह सो रहा है, वह जाग रहा है, ये सारा का सारा माजी करीब में आएगा। तो माजी की भी अलग अलग किस्में होती हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है टेंस, टेंस किसे कहते हैं। टेंस जो है इंग्लिश में उसको जमाना कहते हैं। जमाना की तीन किस्में होती है, उसी तरह टेंस की भी तीन किस्में होती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जमाना की तीन किस्में और टेंस की कितनी किस्में होती है, तीन किस्में, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये जो है जमाना और टेंस समझ लीजिए आप लोग, दोनों एक चीज़ है, सेम चीज़ है, और उसके अलग अलग, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। आप लोग ध्यान से याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, कोच का मुतरादिफ क्या है, सफर, रवागनी, रुखसत, जानना, सॉरी जाना। सवाल नंबर 28 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवागनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोच का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, रवागनी। और 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खार की जिद क्या होगी, खार का मतलब होता है क्या होता है भाई, खार का मतलब कांटा, उसकी जिद क्या हो जाएगी, आप लोग बताना। 29 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। 29 नंबर देखिए, बहार, गुल, आबाद, इनमें से कोई नहीं। गुल का मतलब क्या होता है, फूल, खार का मतलब होता है कांटा, तो जाहिर सी बात है कि कांटा, कांटा का क्या हो जाएगा, फूल ही हो जाएगा, तो गुल हो जाएगा, क्योंकि माना के एतबार से, तो माना के एतबार से भी आप लोगों को जवाब भी देना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्जदार में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस, चादर, बिस्तर, हसरत, जाम। सवाल नंबर 30 का सही आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोगों ने जवाब दे रखा ऑप्शन नंबर ए, यानी चादर, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास, उर्दू हरूफ तहजी में इनमें से किस जुबान के हरूफ शामिल नहीं है, अरबी, संस्कृत, फारसी, हिंदी। सवाल नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत का जो ना ये शामिल नहीं है, अरबी और फारसी, ये हिंदी, ये सारा का सारा इसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ख्याली पुलाव पकाना का मतलब होता है सच्ची बात कहना, बात को भुला देना, और बेबुनियाद बातें सोचना होता है कि घर जाना। 32 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, बेबुनियाद बातें सोचना। अगर आप लोगों ने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि डेली आने वाला क्लास, डेली आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर ऑन कर लें। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास, लाजिम का जमा, लाजिम का जमा उल जमा क्या होगा, जमा उल जमा यानी जमा का भी जमा, एक होता है जमा, एक होता है जमा का भी जमा। ठीक है, तो आपका लाजिम का जमा उल जमा क्या होगा, 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लवाजिमात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाजिम की जमा लवाजिम, उसके बाद लवाजिम की जमा लवाजिमात, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लवाजिम जो है ना ये एक जमा है, लेकिन जमा का भी एक जमा होता है, उसको कहते हैं जमा उल जमा। क्या कहते हैं उसको, जमा उल जमा। तो यहां पे देखिए लवाजिमात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन, ऐसी इस तरह जिसे खास शख्सियत मुराद हो उसे क्या कहते हैं, माउदे जहनी, माउदे खाजी, माउदे माउदे अमूदी, अमूदी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी माउदे खारजी हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास, वह जिसका वह हा जिसका तलफ़ साफ और वाजह हो उसे क्या कहते हैं, हाय मलफूजी, हाय गैर मलफूजी, हाय मुख्तफी, और इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर सवाल का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाय मलफूजी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें जाहिल की जिद क्या है, आलिम, कातिल, बेवकूफ़, अकलमंद। सवाल नंबर 36 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आप लोगों ने ए दे रखा है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आलिम हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, उम्मत की जमा क्या होगी, उम्मत की जमा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उमम हो जाएगा, उम्मत की जमा, उमम। 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मफ़ूल की कितनी किस्में होती है, 2, 3, 4, 5। सवाल नंबर 38 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 किस्में होती है मफ़ूल की। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्ज़ल में से इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है, आदमी, इंसान, बुजुर्ग, डॉक्टर अंबेडकर। सवाल नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर जो है इसमें मारफा हो जाएगा। ठीक है, आदमी, बुजुर्ग, इंसान, ये सारा एक ही तरह का चीज समझ में आ रहा है, जिससे एक ही तरह का चीज समझ में आए वो आपका इसमें नखरा हो जाएगा, और इसमें मारफा जो कि जो खास चीज समझ में आया, डॉक्टर अंबेडकर ये खास एक शख्स है। ठीक है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुनादा क्या है, देखिए इसमें मारफा, इसमें नकरा, निदा, हुर्फ निदा, मुनादा क्या है, आपको क्वेश्चन ये कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, इसमें मारफा है, मुनादा जो है इसमें मारफा की किस्म है। देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, आग का मोल होना मुहावरे का माना होता है, आग की कीमत होना, आग बिकना, महंगा होना, मुफ्त में मिलना, तो महंगा होना का मतलब होता है आग का मोल होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके, दर्जल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, दुकान, जमीन, शौक, मदद। सवाल नंबर 42 का सही आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शौक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, अहमद बाजार गया, इस जुमला में फाइल क्या है, अहमद बाजार गया, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 43 का सही आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहमद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 44 नंबर क्वेश्चन, गली का मुतरादिफ लफ्ज है मोहल्ला, सड़क, कोचा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 44 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोचा हो जाएगा, गली कोचा आप लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन, बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं, मोहम्मद कलाम, इसमें उसके बाद कलमा। सवाल नंबर 45 का सही आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलमा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास, वकील की जमा क्या होगी, वकोला, वकालत, मुवक्किल, मुतुक्कल,
ठीक है। तो आपका सही आंसर 46 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वकोला, वकील की जमा होती है वकोला। 47 नंबर क्वेश्चन आपके पास, तारीफ का जिद है तोहीन, अच्छाई नाम इनमें से कोई नहीं। तो तारीफ का मतलब तारीफ होना, तोहीन का मतलब बेइज्जत करना, ठीक है, यानी उसका खिलाफ बोलना। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तोहीन करना। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ है, आगाज मकान तोहफा तकलीफ। सवाल नंबर 48 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, शायर का वह नाम जिसे वह अपने अशआर में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, लकब किताब उर्फ तखल्लुस। 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ैल में इसमें मुसग्गर लफ्ज़, इसमें मुसग्गर लफ्ज़ है बच्चा किताब। और देखिए ऑप्शन आपके पास लेके आ रहा हूं मैं, फटाफट से देखेंगे सारे स्टूडेंट। देखिए किताब चा और इनमें से सभी। सवाल नंबर कितना था, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, किताबचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किताबचा। इसमें मुसग्गर पूछ रखा था, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या पूछ रखा है, इसमें मुसग्गर जिससे किसी छोटा चीज की जाहिर हो या फिर किसी छोटा चीज पता चले। 51 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ैल में कौन सा लफ्ज फेल है। देखिए ऑप्शन आपके पास, पटना, हम लोग, जाना, खूबसूरत, ज़ैल और क्या हो जाएगा, इनमें कौन सा लफ्ज जो है फेल है। तो पटना, जाना, खूबसूरत, तो देखिए जाना ये जो है ये आपका फेल का ये मजदर, असल में ये मजदर है, मजदर से ही जो है काम लिया जाता है या फिर काम किया जाता है, जैसे खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये आपका किसमें फेल में आ जाएगा ना, वर्ब में ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का साफ साफ नज़र आ रहा है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जाना। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ हैं खराश, खर्च, खौफ, खून। सवाल नंबर 52 का सही आंसर की बात करें क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी खराश हो जाएगा, ठीक है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, मुल्क की जमा क्या होगी, इमलाक, ममालिक, मलक, मलाइक, ठीक है। 53 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुमालिक हो जाएगा। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ैल में इसमें आला चुनिए तो दीवार, दरख्त, चाकू, आसमान। सवाल नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाकू। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके पास, छन छन ज़ैल में से किसकी मिसाल है, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें सूद, इसमें इशारा। तो जिससे किसी खास तरह की आवाज निकले उसे इसमें सूद कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए छन छन जिससे जो है किसी अलग टाइप का आवाज निकले, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल विल बी द परफेक्ट एंड राइट आंसर। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, ताकत का मुतरादिफ क्या है, कुव्वत, खफा, गुस्सा, तवानाई। 56 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का जवाब आना चाहिए फटाफट से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ताकत हम लोग बोलते हैं ना, ताकत कुव्वत है कि नहीं, तो ये आपका मुतरादिफ लफ्ज यानी एक ही तरह का, अलग अलग वर्ड है लेकिन माना एक ही जैसा देता हो। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्द ज़ैल में से इसमें मुसग्गर कौन है, मैं आप लोगों को बार बार बताते आ रहा हूँ, इसमें मुसग्गर जिससे किसी चीज को छोटा ही जाहिर हो, ठीक है, जैसे बाग, बाग क्या है, ये इसमें मुकब्बर है, बाग क्या है, ये एक इसमें मुकब्बर है, और बागीचा जो ना, बागीचा ये आपका इसमें मुसग्गर है, तो बाग से आपका बागीचा, चीहे दर्चा लास्ट में आया, मैं आप लोगों को बताया था इसमें मुसग्गर का पहचान चीहे दर्चा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सारा का सारा, बाग से बागीचा होता है, पहाड़ से पहाड़ी होता है, मुल्क से आपका मुमालिक, मुल्क की जमा होती है मुमालिक, ठीक है। तो मुल्क का तो इतना जहन में नहीं आ रहा है, बट आप लोगों को पूछ रखा है बागीचा क्या है, तो ये एक इसमें मुसग्गर है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सेगा वाहिद हाजिर की एक मिसाल दीजिए। सेगा वाहिद हाजिर किसे कहते हैं, आप लोगों को पहले वो समझना है। देखिए ये सेगा से यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि वाहिद हाजिर, वाहिद का मतलब क्या होता है भाई, अकेला, हाजिर का मतलब जो कि प्रेजेंट हो। तो देखिए अकेला में कौन प्रेजेंट है, देखना आप लोग, ये वाला आपका मैंने लिखा, सेगा वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा, क्योंकि मैं ध्यान नहीं रखा यहाँ पे। देखिए मैं भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैं, तो बात करने वाला क्या होता है, मुतकल्लिम होता है, बात करने वाला क्या होता है, मुतकल्लिम होता है। बात तो सही है कि यहाँ पे सिंगल है, लेकिन बात वो खुद कर रहा है, क्या कर रहा है, वो खुद बात कर रहा है, इसलिए वो मुतकल्लिम हो जाएगा। वाहिद तो है, हाजिर भी है, लेकिन वो क्या होगा आपका, सेगा वाहिद मुतकल्लिम। लेकिन यहाँ पे देखिए तुम में जो है ना, तुम में भी यहाँ पे क्या है, सिंगल है, यानी अकेले है। आप बोलेंगे तुमने कॉपी लिखा या नहीं लिखा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे किसी को, तो यहाँ पे ये वाला जो है तुम, ये पे क्या है, ये भी क्या है, वाहिद है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाजिर है। तो सेगा वाहिद हाजिर तुमने लिखा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, वह इल्म जिससे अज्जाए कलाम को तरतीब देने और जुदा 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 करने का तरीका मालूम होता है उसे उस इल्म को क्या कहते हैं, इल्म नहू, इल्म सर्फ, इल्म उरूज, इल्म बलागत। 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्म नहू। देखिए मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। आप लोगों को एक लाइक और एक
लेक्चर करने में कोई भी टाइम नहीं लगता है। आप लोग पूरा पूरा वॉच करें, अपने फ्रेंड को बताएं, सब लोगों को बताएं, इस चैनल पे जो है जहां भी क्लास करती हूं आप लोग सब लोगों को कमेंट सेक्शन में सब लोगों को बताएं कि AS उर्दू एजुकेशन नाम से भी एक चैनल है, वहां पे जो है बहुत बेहतरीन क्लास होती है और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। आप लोग जरूर से जरूर बताएं, ज्यादा दिन टाइम नहीं है फिर भी आप लोग बता दें एक बार, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 59 नंबर क्वेश्चन का शायद मैंने आप लोग जवाब दे दिया था, इल्मे नहू ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जिस इल्म में अशआर कहने का तरीका और जो है उसूल व जवाबित मालूम हो उसे क्या कहते हैं, इल्म उरूज, इल्म बलागत, और देखिए आगे का ऑप्शन इधर है, इल्म सर्फ, इल्म नहू। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, इल्म उरूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल विल बी द राइट एंड परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 61 नंबर क्वेश्चन, मिलना मजदर से हासिल मजदर बनाइए, मिलाप मिलन मिलावट मिलान, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, फटाफट 61 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे ताकि मुझे पता चल सके हाँ बिल्कुल आप लोगों ने प्रॉपर क्लास में रहा है, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखा है, ताकि मैं सारा का सारा एक साथ जो डिमांड आता है कि 75 क्वेश्चन को एक साथ लेके आइए, पूरा पूरा आप लोग देखेंगे उसके बाद ही मैं 75 क्वेश्चन आप लोगों को एक साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिलाप मिलना मजदर से हासिल मजदर बनाइए, तो मिलना मजदर से हासिल मजदर मिलाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन, जिस इजाफत में मुजाफ का लगाव मुजाफ अले के साथ जर्फ का साथ जो है जर्फ का हुआ उसे क्या कहते हैं, इजाफत बयाती इजाफत ज़र्फ़ी इजाफतें तख़सीसी इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, देखिए इजाफत ज़र्फ़ी ज़र्फ़ से आप लोगों को ध्यान आएगा इजाफत ज़र्फ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, झाड़ना से इसमें आला बनाइए, झाड़ू उसके बाद झड़ाई। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झाड़ू हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 64 नंबर क्वेश्चन आपके पास, फूले न समाना का मतलब होता है खुशी में आपे से बाहर हो जाना, भूख मिटाना, बेकरार होना, चैन न मिलना। 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फटाफट से आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, कृपा करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, खुशी में आपे से बाहर हो जाना बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शमशीर का मुतरादिफ क्या है, तलवार बंदूक चाकू और उड़ार हो जाएगा यहाँ पे, क्या है उड़ार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में जो है उड़ार दिया हुआ है। 65 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या हो जाएगा, तलवार, उड़ार को पढ़ना नहीं है, शमशीर का मतलब होता है भाई तलवार, क्या होता है, तलवार होता है, ठीक है शमशीर का मतलब ध्यान रखना तलवार। 66 नंबर क्वेश्चन, मुमकिन की जीत क्या होगी, तो नामुमकिन, काफी आसान क्वेश्चन था इसको बताने की जरूरत नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन, बरकत की जमा क्या होगी, बरकत की जमा बरकत है ना, ऑप्शन नंबर ए में देखो। 68 नंबर देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है, दर्ज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, आरजू मदद हश्र और नमाज, आप लोगों का 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हश्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हश्र जो है ये एक मुज़क्कर लफ्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, जिन्स की कितनी किस्में होती है, 1 2 3 4, जिन्स की दो किस्में होती है, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस, उसी को कहते हैं तज़किर और तानिस, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सॉरी 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा ना, दो बोल करके फिर ऑप्शन नंबर ए में मार रहे हैं, देखिए दो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मौजू का दूसरा नाम है मोहम्मद कलमा उसके बाद मानी जुमला, तो मौजू का जो है ना इल्मे सरफ में इसको कलमा कहते हैं, मौजू को क्या कहते हैं भाई, तो कलमा कहते हैं इल्मे सरफ में। अब आगे का 5 क्वेश्चन रह गया है, फटाफट से उस 5 क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट से कवर कर लेते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दर्ज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, कसीदा अक्स रोग शराब, 71 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, शराब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखेंगे, दर्ज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है,
इंसाफ, दलील, दुआ, इनमें से कोई नहीं। 72 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, मौत की जमा क्या होगी, मौत की जमा आपका अमवात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, राहत की जिद क्या होगी, तो राहत की जिद आप लोगों का क्या हो जाएगा, 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी मुसीबत। राहत का मतलब छुटकारा होता है, मुसीबत यानी मुसीबत में, किसी मुसीबत में पाले पड़ जाना, ठीक है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन आपके पास, आबरू उतारना का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए इज्जत करना, शर्मिंदा होना, बेशरम होना, बेइज्जत करना, 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेइज्जत करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर देना। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए जाइए, प्ले स्टोर में सर्च कीजिए AS उर्दू एजुकेशन, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं सर्च कीजिए टेलीग्राम पर AS उर्दू एजुकेशन, वहाँ से भी ज्वाइन हो जाइए। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं वहाँ भी सर्च कीजिए AS उर्दू एजुकेशन, सारा जगह आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले सेशन में, अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।